हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक इजी वे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन बीन के व्हील बैलेंसर के बारे में, उसकी फ्रेंड्स कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, थ्रेटिकली भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा आपको। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, जो आप स्क्रीन पर मशीन देख रहे हो, इस मशीन की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी मशीन, जॉन बीन व्हील बैलेंसर B100 मॉडल है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा कैलिब्रेशन चार्ट बताऊंगा कि आपने कैसे इसका कैलिब्रेशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके लिए एक सी सर्विस कोड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके कुछ कोड्स होते हैं, सी सर्विस कोड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा अपने सी कोड में एंटर कैसे करना है। जैसे कि डिजिटल मशीन होती है हमारी, तो सी कोड में एंटर कैसे करना है ये भी बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे आप मेरे कीपैड देख रहे हो मशीन का, कुछ इस तरह का कीपैड होता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके कुछ सी कोड्स होते हैं, तो सी कोड्स को कैसे आपने एंटर करना है सी कोड में, तो फ्रेंड्स आप स्टडी कर सकते हैं ऊपर, एंटरिंग द सर्विस सी कोड एंड ऑप्शन सी कोड द सर्विस मेनू असेस बाय द होल्डिंग सीड सी कोड एंड वेट प्लेसमेंट की, द यूजर सी कोड मेनू असेस बाय प्रेसिंग एफ की एंड आफ्टर द सी कोड की। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी कोड में एंटर होने के लिए फ्रेंड्स, जो आप फोटो देख रहे हो इस स्क्रीन पे, ये जो अब मैं जहाँ पे कर्सर लेके गया हूँ, जहाँ पे एफ लिखा है, ये वाला बटन दबा के आपने ये तीसरा वाला बटन दबाना है। ठीक है, ये दोनों को आपने एक साथ दबा के, तो आपके सामने सी कोड एंटर सी कोड शो करेगा, तो आपने उसको प्लस एंड माइनस की दबा के अपने सी कोड में चले जाना है। तो ये देखिए, ये नीचे लिखा भी है मैंने, द लास्ट सर्विस कोड यूज सिंस पावर ऑन इज डिस्प्ले, द सर्विस कोड और सी कोड अवेलेबल कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग द प्लस एंड माइनस की। तो फ्रेंड, जो माइनस एंड प्लस की जो हैं, आपने उनको माइनस करके, प्लस या माइनस करके आपने सी कोड में एंटर कर जाना है। तो फ्रेंड, ये जो आप नीचे जो प्लस माइनस, जो जहाँ पे मेरी फिंगर्स है, फिंगर्स के पीछे जो प्लस का निशान है, आपके पास मशीन होगी तो मशीन आपके सामने पड़ी है तो आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का जो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे, ये जो प्लस और माइनस का की है, पहले आपने एफ और ये जो सी कोड वाला बटन है वो दबाना है, फिर बाद में आपने प्लस माइनस की दबा के, प्लस माइनस की दबा के सी कोड में एंटर कर जाना है। तो लास्ट सर्विस कोड जो एंटर होगा वो आपके पहले शो करेगा, आपने प्लस एंड माइनस दबा के सी कोड में एंटर कर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नीचे क्या कह रहा है वो, सर द सर्विस कोड सी अवेलेबल ऑन कैन असेसिंग बाय यूजिंग द प्लस एंड माइनस की एंड सिलेक्टिंग द डिजायर्ड कोड बाय प्रेसिंग द सी कोड की। जब आप कोड सेलेक्ट करोगे तो सी कोड की जो है आपका तीसरा वाला बटन, वो भी बटन आपने फिर दबाना है, तो आपका सी कोड जो है सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा सी कोड वाला बटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आगे क्या कह रहा है वो, एक्नोलेज प्रेस की, एक्नोलेज द ऑप्शन चूज एन अबाउट प्रेस स्टॉप की अबाउट सी कोड। अगर प्रेस सी कोड एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन चूजन, ऑप्शन चूज करने के लिए आपने सी कोड दबाना है। अगर स्टॉप की दबा दोगे तो अब जो आपका सी कोड है वो अबॉर्ट हो जाएगा, मतलब वो प्रोग्राम जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर दोबारा आप मान लो सी कोड में आप नहीं जाना चाहते हैं, तो सी कोड को आप दोबारा स्टॉप का बटन दबा देंगे तो ये मतलब अबॉर्ट हो जाएगा आपका ऑपरेशन जो है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वेरियस द एक्टिविटी आर असेसिबल थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन की फॉर वेरियस सी कोड, एग्जाम्पल C28, C74, C75, प्लस द ऑप्टिमाइजेशन की टू एक्टिवेट द स्पेशल फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो बींग कैरी आउट, तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल दे रहा है, जैसे कि C28 कोड होता है, C74 कोड होता है, C75 कोड होता है। तो फ्रेंड्स इसके कुछ सर्विस कोड्स होते हैं सी कोड, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं सिर्फ सर्विस कोड के बारे में ही आपको बताऊंगा। आज फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं इस मशीन की कैलिब्रेशन को कैसे करते हैं, इस मशीन की जॉन बीन B100 मॉडल की कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन जो कैलिब्रेशन होती हैं इसके, हमारे सी कोड्स होते हैं, जो C80 होता है हमारा एक जो है, तो पहले आप सी कोड में चले जाइए, C1234 ये होगा, C0, C12, C3, C4, इसको प्लस एंड माइनस की करके आप C80 में चले जाइए, सी कोड दबा के इसमें कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने स्टेप वन जो है आपका मूव गेज आर्म, स्टडी कर सकते हैं सामने जो स्टेप वन लिखा है, मूव गेज आर्म द कैलिब्रेशन, प्रेस वन एंड एडजस्ट
द डिस्टेंस पोटेंशियोमीटर मैकेनिकली द वोल्टेज ऑफ द डिस्टेंस पोटेंशियोमीटर इंडिकेटर द राइट थ्री डिजिट डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स मैंने साथ में आपको डिस्प्ले फोटो भी बताई है क्या करना है आपने। गेज आर एम फुली रिटर्न टू होम पोजीशन, द रीडिंग फॉर डिस्टेंस सेफ मस्ट बी 3.10 एंड 3.15 वोल्टेज। ओके तो फ्रेंड इसके बीच में इसकी वोल्टेज होनी चाहिए। आपने मैकेनिकली इसको ये जो आप डिस्टेंस गेज देख रहे हो जिससे हम मशीन और टायर का डिस्टेंस देखते हैं, मैं ये सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हो जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ, इसको डिस्टेंस रोड बोलते हैं, सेफ गेज आरएम भी बोलते हैं इसको। ये जो है अपनी होम पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आपने इसको होम पोजीशन पे करके मैकेनिकली आपने 3.10 3.15 वोल्टेज एडजस्ट करनी है, इसकी एडजस्ट करके आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सामने आ गए आपके स्टेप सेकंड शो करेगा। सेकंड स्टेप जो हमारा होगा, प्लेस द गेज आरएम टू फ्लैंग एज, एडजस्ट द डायमीटर पोटेंशियोमीटर मैकेनिकली, द वोल्टेज ऑफ द डायमीटर पोटेंशियोमीटर इंडिकेटेड इन द लेफ्ट थ्री डिजिट डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स जो गेज आरएम है आपने वो अपने जो आप फ्लैंग देख रहे हो जहाँ पे हमारी जो शाफ्ट है, शाफ्ट के आगे जो गोल्स होते हैं जिसके अंदर होल्स रहते हैं आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो राइट हैंड में डिस्प्ले है, स्क्रीन है जहाँ पे मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आप डिस्टेंस वाली रोड देख रहे हो, ये पूरी ये जो आप सेंसर देख रहे हो, ये सेंसर होता है इसके अंदर, ये पूरी फ्लैंग के साथ टच कर रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर टच करके तो आपने जो वोल्टेज लेके आनी है 3.60 2.63 वोल्टेज, ये आपके स्क्रीन पे शो करेगा फ्रेंड्स। इसकी इतनी वोल्टेज लेके आपने एंटर दबा देना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने सी कोड जो है आपका एंटर कोड होता है एक हिसाब का, मतलब आपने जब भी कोई सिलेक्शन करनी है, जैसे कि आपने ये इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करके आपने जब इसकी स्क्रीन पे आपके जो डिजिटल स्क्रीन पे इतनी रीडिंग आपके दिखाएगा 2.60 2.63, अगर ये इतनी नहीं है तो आपने इसको मैकेनिकली थोड़ा एडजस्ट करके, तो एडजस्ट करके 2.63 तक लेके आके तो आपने इसको सी कोड दबा देना है, मतलब सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नीचे आ जाइए। अगला स्टेप जो है हमारा, मूव गेज आरएम द कैलिब्रेशन पोजीशन 1 एंड एडजस्ट द एक्सट्रैक्शन पोटेंशियोमीटर मैकेनिकली, प्रेस एक्नॉलेज की टू द कंफर्म स्टेप 1। जैसे फ्रेंड्स हमने स्टेप 1 किया था तो वापस हमने फिर दोबारा स्टेप 1 करना है ताकि हम हमारी जो गेज है आरएम फुली रिटर्न टू होम पोजीशन, उसको हमने फिर होम पोजीशन पे लेके आना है। तो उसकी जो रीडिंग्स है, रीडिंग्स अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो मैंने पहले आपको दिखाया था, गेज आरएम फुली रिटर्न टू होम पोजीशन, द रीडिंग द डिस्टेंस सेफ मस्ट बी 3.15 वोल्टेज कर एडजस्ट करके आपने इसको सी कोड दबा देना ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। तो होम पोजीशन पे स्टेप आ गया आपने। जो अगला स्टेप है हमारा स्टेप 2, मूव गेज आरएम टू कैलिब्रेशन पोजीशन 2, प्रेस एक्नॉलेज की टू कन्फर्म स्टेप 2। तो फ्रेंड्स जो हमने स्टेप 2 किया है फिर दोबारा हमने वही करना है जैसे मैंने स्टेप 2 ये किया है, तो स्टेप 2 के जैसा ही होता है ये भी। गेज आरएम एक्सटेंडेड मैक्स एक्सटेंशन, फ्रेंड्स जो गेज आरएम है, ये जो आप देख रहे हो डिस्टेंस रोड जो देख रहे हो आप, ये वाली ये पूरी रोड जिसपे मेजरमेंट का लगा होता है, तो फ्रेंड इसको आपने पूरा जो इसको फ्लैंग बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो होता है ये फ्लैंग होता है। फ्रेंड्स मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें अलग अलग पार्ट के नाम होंगे कि ये आपका फ्लैंग है, ये आपका 2D सेप गेज आरएम है, ये आपका एनकोडर है, ये आपका ट्रांसड्यूसर है, ये आपका ये, मतलब हर पार्ट के बारे में अलग अलग नाम बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं हम कहाँ थे, हम थे अपने स्टेप 2 पे, मूव द गेज आरएम द कैलिब्रेशन पोजीशन 2, प्रेस टेक्नोलॉजी की टू कन्फर्म स्टेप 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेज आरएम है आपने मैक्स एक्सटेंशन पे लेके जाके फ्लैंग पे, आप डिस्प्ले पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे आपने किस कंडीशन पे ले जाके सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ले जाके आपने सी कोड दबाना है, ओके करना है। तो स्टेप 3 जो है हमारा, मूव गेज हेड कैलिब्रेशन 3, एक्नॉलेज की टू कंफर्म स्टेप 3। तो फ्रेंड्स जो हमारी पोजीशन, इसको हमने पहले ओके करके इसको वापस हमने होम पोजीशन पे छोड़ देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टेप 3 हमारा होगा, मूव द गेज हेड टू कैलिब्रेशन 3 पोजीशन 3, प्रेस एक्नॉलेज की टू कंफर्म स्टेप 3। तो स्टेप 3 हमारा जो था,
तो फ्रेंड्स स्टेप थ्री था हमारा मूव गेज हेड टू कैलिब्रेशन पोजीशन थ्री, प्रेस एक्नॉलेज की टू कंफर्म स्टेप थ्री। पोजीशन वन ऑफ कैलिब्रेशन टेम्पलेट ऑफ हेड ऑफ द कैलिब्रेशन वेट। फ्रेंड्स मशीन के साथ जो आपके आपको एक वेट मिला होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है इसको वेट बोलते हैं, कैलिब्रेशन वेट होता है ये भी। तो फ्रेंड्स आपने जो गेज आरम है आपने इस कंडीशन में रख के इस वेट को इसी पोजीशन पे आपने रखना है, रख के आपने पढ़ सकते पोजीशन वन कैलिब्रेशन टेम्पलेट ऑफ द हेड कैलिब्रेशन वेट। तो इस जो फ्लैंग है आपका, फ्लैंग के ऊपर आपने वेट को इस पोजीशन पे रखना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इसको आपने सेंसर को, डिस्टेंस रॉड को आपने इसके ऊपर टच करना है, टच करके आपने इसको सी को सेलेक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, सी को सेलेक्ट करके स्टेप फोर आ जाता है हमारा। जो है अगला स्टेप हमारा होता है मूव गेज हेड टू कैलिब्रेशन पोजीशन फोर, प्रेस एक्नॉलेज की टू कन्फर्म एंड क्विट द कैलिब्रेशन। तो पोजीशन टू कैलिब्रेशन टेम्पलेट और टिप स्क्रू ऑफ कैलिब्रेशन वेट। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो राइट हैंड की डिस्प्ले है, जो हमने डिस्टेंस रॉड है इसने हमने इस कंडीशन में रखी थोड़ा टॉप पे लेके जाके, मतलब हमने जो वेट मिला होता है वेट को हमने फ्लैंक पे इस पोजीशन पे रखना है, इस पोजीशन पे रख के डिस्टेंस रॉड को आपने इसी पोजीशन पे रखना है जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ऐसे रख के आपने सी कोड दबा देना है, सेलेक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ आपने प्रोसेस करके लास्ट में हमने सेव कैलिब्रेशन डाटा परमानेंटली मेमोरी यूजिंग सी कोड, हमने C90 कोड में जाना है, C90 कोड में जाके हमने सी कोड सेलेक्ट कर सी कोड को दबा देना है। सी कोड फ्रेंड्स हमारे लिए एक साथ का डिसाइड की है, जो भी हमने डिसाइड करना है मतलब सिलेक्ट करना है उसको हमने सी कोड को दबा के ही सिलेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेव कैलिब्रेशन डाटा इन परमानेंट मेमोरी यूजिंग इन C90 कोड। ओके फ्रेंड्स, तो C90 कोड में जाके आपने सी कोड दबा देना है। तो जितना भी हमने ये जो प्रोसेस किया है कैलिब्रेशन C80 वाला, तो ये हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा C80 कैलिब्रेशन C80 इनर सेप गेज आरम कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं और भी वीडियो डालूंगा, जितने भी हमारे इस मशीन के सर्विस कोर्स हैं सारे सर्विस कोर्स के आपको मैं ट्यूटोरियल बताऊंगा और उसके बारे में प्रैक्टिकल बताने की भी कोशिश करूंगा। जितने भी इसके इस मशीन के सर्विस कोर्स होते हैं जैसे C80, C81, C83, C88, C90, C92 और C75, C115, जितने भी सर्विस कोड हैं हर कोर्स के आपको मीनिंग्स और उनके प्रोसेस पूरा मैं आपको बताऊँगा इस चैनल में। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं अगली कोई भी वीडियो डालूँ तो उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गुड बाय फ्रेंड्स।